अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अहमद तनवीर। आप देख रहे हैं पीसीबी एजुकेशन। आज की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो जारी कर दिया है, जो कि 2020 से 2022 तक है। तो चलिए चलकर देखते हैं फ्रेंड्स। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंडोनेशियन मास्टर डिग्री के एन बी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020 से 2022 तक है। ये इस प्रोग्राम जो हुकूमत है, इंडोनेशिया की जो हुकूमत है, उन्होंने अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2020 से 2022 तक है। तो मैं आपको आगे चल कर बता देता हूँ कि ये हुकूमत ने प्रोग्राम क्यों जारी किया है और इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी 12 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इसमें सेलेक्ट हुए थे इन दिए गए डिग्री प्रोग्राम में, जिसमें एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, एग्रोनॉमी, आईटी, साइकोलॉजी, आर्ट्स एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें स्कॉलरशिप में आप इस लिंक पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक में जाकर। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल रखी गई है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मेंशन किए गए हैं, इसमें आप एलिजिबल होंगे। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आपको बताते चलते हैं आगे चल के। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में यहाँ आपकी मैक्सिमम एज जो है वो तकरीबन एलिजिबल होने के लिए 35 हो, और एप्लीकेंट मस्ट होल्डर अ बैचलर डिग्री, उसके बाद बैचलर डिग्री हो ना कि मास्टर डिग्री। और एप्लीकेंट मस्ट हैव टू फेल यानी कि और अदर सर्टिफिकेट प्रोफेशनली, जिसमें उसका स्कोर 500 हो या इक्वलेंट हो। एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस चीज़ का लिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो भी आगे चल कर मैं आपको बताऊँगा। तो जो एप्लीकेंट है वो प्रायर टू दी डिपार्चर टू दी इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के लिए एप्लीकेबल होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट वो साइन करेगा स्टेटमेंट, उनकी तरफ से जारी की गई होगी स्कॉलरशिप फॉर्म और स्टेटमेंट। और प्रोसीजर इसका ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, नीचे दिया हुआ इनविटेशन लेटर इनका, और सबमिट कर देंगे इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के साथ। कंप्लीट द ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट, और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है वो एम्बेसी और ये हुकूमत की तरफ से तमाम है, यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई हुई है। और जो डाउनलोड करने हैं वो ये गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, ये आप डाउनलोड कर ले गए। उसके अलावा यहाँ पे एक इनविटेशन लेटर है जी, ये आप डाउनलोड कर ले गए। तो ये इंडोनेशिया के कुछ प्रोविंसेस है जहाँ के ये टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर रबता करके कन्फर्म भी कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल यहाँ पर पाकिस्तान में दिया जाता है कि बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेकर अपने जो आगे का प्रोग्राम है वो बाहर की यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप सब तमाम लोग इसमें भी अगर तो बैचलर डिग्री होल्डर हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और अपनी जो है किस्मत को आजमा कर आप बाहर जा स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने का। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।